हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ कच्चे आम की कैंडी। ये कैंडी खाने में बहुत ही यम्मी है और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी है। आप इसे बच्चों को बना के दीजिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम इस कैंडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम की कैंडी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो कच्चे आम। इन्हें अच्छे से धो लिया है और साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इन्हें इस तरीके से छील लेंगे और इनका छिलका निकाल देंगे। सारे कच्चे आम हमने इस तरीके से छील लिए हैं। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसमें से गुठली निकाल देंगे। अब हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। बाकी आम हम इसी तरीके से कट करके रख लेंगे। ये देखिए, हमने सारे कच्चे आम कट कर लिए हैं। अब हमने कच्चे आम को मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया है और उसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इस तरीके से स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब हम कच्चे आम की जो प्यूरी हमने रेडी की थी उसे अब हम छान लेंगे। ये देखिए, हमने पूरा छान लिया है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ये प्यूरी डाल देंगे जो हमने छानी थी और इसे अब हम गर्म करेंगे। हम इसे कंटिन्यूसली हिलाना है जिससे कि ये चिपके ना। अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक कटोरी शक्कर ऐड किया है। आपके कच्चे आम पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी शक्कर ऐड करेंगे। ये देखिए, शक्कर इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। देखिए, प्यूरी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे, एक छोटा चम्मच चाट मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें डालने से कैंडी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसकी थिकनेस बढ़ने लगी है धीरे धीरे। हमें इसका लगभग इतना ही गाढ़ा पेस्ट चाहिए। जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, हमने प्यूरी को एक बाउल में निकाल लिया है और इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देंगे। कैंडी का मसाला ठंडा हो गया है। ये देखिए, इतना टाइट हो गया है। अब हम इससे कैंडी बनाते हैं। हमने एक प्लास्टिक रैपर लिया है, उसमें जितनी बड़ी हमें कैंडी बनानी है उतना हम उसमें मसाला ले लेंगे और इसको इस तरीके से रैप कर लेंगे। आप इस कैंडी को फ्रिज में भी रख सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से रैप कर लेंगे। ये देखिए, कैंडी बनकर तैयार है। एक और ट्राई करते हैं। इसी तरीके से हमें सारी कैंडी बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ये बनकर रेडी हो गई है। कच्चे आम की कैंडी बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही यम्मी और बच्चों की तो फेवरेट है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए एक बार। अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। Thank you.